प्रदर्शित फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित ने फिल्मी दुनिया को बाय बाय कह दिया और अमेरिका में जाकर बस गईं। लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड फिर माधुरी को खींच लाया। आजा नचले ने माधुरी की वापसी की। फिल्म असफल रही और माधुरी को लगा उन्होंने वापसी के लिए सही फिल्म चुनी। इंतजार किया और 7 साल बाद उनकी डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग रिलीज हुई। दोनों ही फिल्म असफल रही और माधुरी की दूसरी वापसी भी निराशाजनक रही। खबर है कि एक मलयालम कॉमेडी फिल्म का हिंदी रीमेक बनाया जाने वाला है और माधुरी ने इस फिल्म में काम करने की हामी भर दी है। उनके साथ फिल्म में नाना पाटेकर भी होंगे। ये दो अलग मिजाज वाले लोगों की कहानी है।